विवादित जमीन में करोड़ों रुपए का हुआ शिलान्यास, मौजूद रहे मंत्री, करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास जिस जगह पर हुआ उस जमीन का विवाद कोर्ट में है। इस सवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। पहले बोले स्टे है, फिर बोले स्टे नहीं है और आखिरी में बोले कि मामले की जानकारी नहीं है, निर्देशक से जानकारी करेंगे। कहीं ना कहीं इस बात का सवाल देते मंत्री सुरेश खन्ना बचते नजर आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कार्डियोलॉजी करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जलपान गृह का होना जरूरी है, साथ ही साथ तड़कोण सड़क होने से मरीजों को स्ट्रेचर से ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, उसके अलावा रहने के लिए जो भी समस्या थी उसका निर्माण होगा। डॉक्टर विनय कृष्णा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, कार्डियो सर्जन डॉक्टर नीरज कुमार, मेडिकल कॉलेज आर के कमल आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से जितेंद्र सोनकर की खास रिपोर्ट। आज ये हृदय रोग संस्थान के खास तौर से फैकल्टी मेंबर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए एक आवासीय परिसर का शिलान्यास करना काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित था। ये 14,67,00,000 की लागत से ये ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर का 32 आवास बनेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि मरीज को डॉक्टर सहज सुलभ हों और वो तभी रह सकते हैं कि जब अस्पताल के खास तौर से उसके प्रीमाइसेस के नियर हों। इसी उद्देश्य से आज इसका शिलान्यास किया गया और ख़ास तौर से दूसरा शिलान्यास एक रोड का है और एक रिफ्रेशमेंट भोजनालय का। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आना हुआ था। योगी जी की सरकार का संकल्प है कि हर प्रकार से मेडिकल क्षेत्र में जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं वो उपलब्ध कराई जाएं और कोरोना काल से लेकर और अब तक, या यूं कहिए कि जिस दिन से योगी जी आए हैं, हर व्यवस्था में सुधार हुआ है। जो व्यवस्था पिछली सरकारों में नीचे की तरफ जा रही थी वो अब हर तरफ ऊपर की तरफ चल रहे हैं और इसमें भी काफ़ी चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। और दिन प्रतिदिन हमारी ये कोशिश यह है कि हम जन सामान्य को जितनी भी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं वो मुहैया कराएं। और इसी उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कई नए डिपार्टमेंट्स, कई नई व्यवस्थाएं लागू की। जैसे मिसाल के तौर पर हमने SGPGI में एक एडवांस डायबिटिक सेंटर बनाने का निश्चय किया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए बजट में प्रोविज़न भी कर दिया। साथ ही साथ हम छोटी छोटी आँखों की तकलीफ़ के लिए, अभी हम मदुरई जाते थे, शंकर नेत्रालय चेन्नई जाते थे, अब हमने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ के KGMU में डायबिटिक रेटिनोपैथी का सभी प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश में कर दिया। और हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से कोई भी मरीज अपनी स्वेच्छा से बाहर जाए, किसी दूसरे प्रांत में जाए तो जाए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि वो जाने के लिए विवश न हो, हर प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में हो। हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं और आगे भी हमारी कोशिश यह है कि उन सुविधाओं को हम बढ़ाएंगे और हर प्रकार का इलाज उत्तर प्रदेश में, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे न्यूरो साइंस सेंटर हो, हर प्रकार से हम इसको सुसज्जित कर रहे हैं। बेहतर सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया था उसको हर स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कोविड की बात करी, कब से शुरू करेंगे? जल्दी एडवांस कार्डिक सेंटर जल्दी शुरू करेंगे। मंत्री जी, आपने अभी कोविड की बात करी थी, यूपी में कंट्रोल हुआ, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतेंगे। आपको अगर जुकाम हो जाए और जुकाम के बाद आप दवा लेके ठीक हो जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गीजर के पानी से नहाने लगे या ठंडे पानी से आप नहाने लगे। अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए हम बीमारी से बचने के लिए, हमको दवाई की भी ज़रूरत है और कड़ाई की भी ज़रूरत है। सर,
अपने लिए, ये जमीन रोहिंग्या की बात हो रही है और यहाँ तो उसके लिए व्यवस्था की सर, जमीन तो है, ये पूरा जो मामला कहना कोर्ट में चल रहा है, फिर भी शिलान्यास किया गया, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ ये जमीन को शिलान्यास किया गया, इसके लिए बनाने की बात हुई, बाद में ये मामला कोर्ट चला गया। तो संस्थान ने हमसे ये कहा था कि इस पर कोई हमें जानकारी भी नहीं है किसी प्रकार का कोई विवाद है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जो शिलान्यास हुआ है भवन का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई स्टे नहीं है। संक्रामक रोग अस्पताल तो होना चाहिए।